यूपी टाइम्स न्यूज, खबर आपकी, भरोसा आपका। हमारी बात कभी आतंक मंच पे नहीं खड़ी हुई, हमारी बात कभी आतंक मंच पे नहीं खड़ी हुई, यहाँ पे जितने लोग आए हैं, यदि पिताजी को आप सब नेता मानते थे, आज अधूरते तो हमारा परिवार यहाँ नहीं खड़ा होता, आप सबके नेता यहाँ खड़े होते, लेकिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं के यहाँ पे आए हुए लोगों सबको पता है, पिताजी को छोड़ के नहीं गए हैं, पिताजी ने जो छोड़ करके गए हैं आपकी उंगली पकड़ के गए हैं, क्योंकि पिताजी ने हमारे पास हमें कुछ नहीं किया, परिवारों के लिए जो कुछ किया, जनता के लिए पैदा हुए थे, जनता के लिए ही सेवा करते रहे, उन्होंने जनता की सेवा करते करते आखिरी दम तक सेवा किया। हम मिले या ना मिले, जिंदा रहूंगा इस परिवार की सेवा मैं करता रहूंगा, जिस तरह आप लोगों ने जो सपना रह गया है उसको पूरा करने के लिए आप लोग नौजवानों को छोड़, क्योंकि माँ बाप सब कुछ आपको अपने बेटे समझ करके चुनाव में उतरना पड़ेगा। ये बात समझिए, सुबोध यादव क्या लड़ रहा है, यहाँ जितना परिवार सबके परिवार सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पिताजी ने दौलत नहीं कमाया, इस कबीर नगर के लिए कोई कोर कसर कोई चीज नहीं छोड़ा, हर परिवार के लिए खुशहाली के लिए या अधिकारियों से लड़ना पड़ा हो, या जिला बनवाना पड़ा हो, या सड़क से लेकर के दिल्ली की लोकसभा तक लड़ना पड़ा हो, कभी पिताजी ने घुटना नहीं टेका, आप सब नौजवानों के मन